एमनेस्टी ह्यूमन राइट्स ग्रुप के द्वारा कोई 160 पेज की एक रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें उन्होंने 55 फॉर्मर डिटेनीज के इंटरव्यू छापे, और इनमें एक तुर्सुने जाउद्दीन नाम की एक महिला भी थी। और जाउद्दीन आगे बताती हैं कि वहां की औरतों को उनकी बंद कोठरियों से हर रात खींचकर बाहर निकाला जाता है और उन पर गैंग रेप किया जाता है। जाउद्दीन यहाँ पे कहती हैं कि मेरे साथ भी कई बार ऐसा टॉर्चर हुआ है और 3 बार मेरे साथ भी गैंग रेप हुआ है, जो कि हमेशा चाइनीज लोगों के द्वारा किया गया। यहाँ पर हमेशा 2 से 3 चाइनीज लोग रहते और मास्क पहने रहते थे। जाउद्दीन फॉर्चुनेटली अब अमेरिका आ गई हैं। वो कहती हैं कि वो कभी भी चाइना वापस जाना नहीं चाहेंगी, क्योंकि अगर वो चाइना वापस गई तो वहां की गवर्नमेंट उसको बहुत बुरी तरह टॉर्चर करेगी और उसकी जान ले लेगी।